से फ्रेंड एक अंकल जी आ गए थे और इसीलिए वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। और तो फ्रेंड आप लोग बताइए, अगर जो कोई इतना दिन से मेहनत करता है और उनकी मेहनत ये हुई चले जाए तो कितना बुरा लगता है। फिर भी कुछ नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए होता है। तो जिनके जिनके साथ में ऐसा हुआ होगा और डर गए थे तो बखूबी से जानते होंगे कि जैसे मेरे साथ में हो रहा। मेरा तो मन नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, हमको अच्छा लगेगा, आदत तो पड़ गई है हमको। एक क्योंकि अकेले रहते हैं ना तो मेरा टाइम पास नहीं होता, इसीलिए अपना एक इंजॉय के लिए बना लेते हैं। और क्या उनकी रख बना के रख दे रहे हैं, हमको भी कभी देखेंगे तो हमको याद रहेगा और इसीलिए हम बना रहे हैं। और हो सकेगा तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर कुछ आगे भी हो सकता है। तो बताइए बताइए बताइए, आज हम कैसे लग रहे हैं। कुछ खास कंटेंट नहीं है, बस हम कोई हूँ ऐसे, मेरा मन किया छोटा सा ब्लॉग बना ले। और क्योंकि हम अकेले थे, मेरे हस्बैंड जी गए हुए हैं ड्यूटी सुबह से ही और अभी बेचारे आए नहीं हुए, हमको बहुत काफ़ी टाइम से वेट करना पड़ रहा है। और अभी तो हम अकेले हैं और मेरे यहाँ बहुत तेज़ी से धूप निकली हुई है और यही बारिश अगर शायद गांव में हो रही होगी तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन किसानों के लिए खेतों में धान उन लगे हुए हैं ना घर पे, तो इसीलिए गांवों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि शायद गांवों में बारिश हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और किन के यहाँ बरसात की ज़रूरत है, क्योंकि फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है इस वाला बारिश। तो फिर देखिए तो फ्रेंड, हाँ हम शॉर्ट वीडियो में, हमको शॉर्ट वीडियो बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हमको उसमें ज़्यादा मेहनत, इतने एडिटिंग पिटिंग पता नहीं क्या क्या करनी पड़ती है, तो इसीलिए हम बहुत ही ज़्यादा कम बनाते हैं ब्लॉग वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। आप लोग कर दीजिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने पेज में शेयर करिए कैसा लगता है मेरे ब्लॉग, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।